Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel. And today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project. And this is the overview of the project we are going to create. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. अगर आपको interested हैं, आप excited हैं ये project बनाने में, तो हम चलते हैं अपने Visual Studio Code में और बनाते हैं ये project with the help of HTML and CSS. So guys, just before starting to with this project, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So guys, यहाँ पर देखो मेरा HTML DOM already created है. अब मैं यहाँ पर एक नया boilerplate बनाऊँगा. इसका नाम मैं रखूँगा dots animation. एंड कंट्रोल इंटर से नीचे आऊँगा, लिंक डालूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस. एंड मेरी यहाँ पर सी एस एस ऑलरेडी रिटन है, तो ये अभी भी वर्क करेगा मेरा. एंड यहाँ पर मैं एक एक डिव बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा डॉट डॉट्स. एंड इसके अंदर मैं स्पैन लूँगा, मान लो मुझे 6 डॉट चाहिए तो मैं स्पैन ले लेता हूँ 6. अब मैं स्पैन क्यों ले रहा हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ. शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन, 1 2 3 4 5 6. तो इससे क्या होगा कि ये 6 टाइम्स नीचे पेस्ट हो जाएगा. मुझे एक कम चाहिए, मुझे 6 ही चाहिए डॉट्स. तो तो गाइस यहाँ पर मैंने स्पैन क्यों लिया है, इसका मेन रीज़न यही है कि ये एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसका जिसका रीज़न ये है कि ये पूरी विड्थ नहीं लेगा. पूरी विड्थ लेने का मतलब है कि ये पूरी स्क्रीन की विड्थ नहीं लेगा, कि ये कितनी स्क्रीन लेगा, जितनी इसकी रिक्वायर्ड है वो इतनी ही ये विड्थ लेगा, उससे ज़्यादा ये विड्थ नहीं लेगा, इसलिए हमने स्पैन को लिया है. सो आई नो, आई होप दैट यू ऑलरेडी नो वॉट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स एंड inline and block level elements are. So if you do not know what these elements are, you can go and watch my tutorial on HTML full tutorial and let me know if you still have any doubt about this. So guys, यहाँ पर हमारा project पे आते हैं हम वापस. और यहाँ पर मैं style dot css के अंदर जाऊँगा, control से इसको भी comment out करूँगा. अब जैसे ही मैं comment out करूँगा यहाँ पर, तो देखो आप यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें चली गई क्योंकि हमने उसको कमेंट आउट कर दिया. तो मैं आपको दिखाते हुए चलूँ स्टेप बाय स्टेप कि हमारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, और मैं आपको शुरू से शुरू बना के दिखा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा. यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेलेक्ट लिया, सेलेक्टर ले लिया P0 M0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. फिर गाइस यहाँ पर मुझे ना मुझे चाहिए बॉडी, बॉडी को टारगेट करना है मुझे. इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है, इसका अलाइन आइटम सेंटर करना है, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करना है, और मिन हाइट 100 PH देनी है, और विड्थ जो है वो 100 VW देनी है. अब पांचों चीज़ों को समझाऊं, तो सबसे पहले मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों हमने इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है. उसको डिस्प्ले कराने के लिए इसके मेन हाइट जो है हमने 100 VH कर दी, और विड्थ जो है 100 VW कर दी, ताकि ये जो बॉडी है पूरी विड्थ और हाइट ले ले हमारी. नेक्स्ट स्टेप कि हमारा जो डॉट्स वाला डिव है इसको हम टारगेट करेंगे. अगेन मैं इसको जो है डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा. इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं. हाइट मान लो 300 पिक्सल्स, विड्थ मान लो इसकी 500 पिक्सल्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट. हमारा जो है स्पैन, स्पैन को हमें टारगेट करना है. सबसे पहले तो मैं इसको जो है इसकी हाइट और विड्थ दूंगा. हाइट मान लो मैं इसको 50 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स. देखो अभी मैं आपको एक एक बार अपनी जो प्रोजेक्ट है वो दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है. देखो अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं दिख रहा है. बट मैं क्या करूँगा, बॉडी को हमें एक बैकग्राउंड कलर भी देना था, वो मैं भूल गया, ब्लैक. और जैसे ही मैं ब्लैक कलर दूंगा तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया. दैट मीन्स आर वर्किंग, इट्स आर आर प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग, आर सी एस इज़ वर्किंग. एंड यहाँ पर मैं इसको PGC जो है वाइट दूँ, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर्स मैंने हुए आ जाएंगे हमें 6. ये देखो अब इसके अंदर मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन मान लो 5 पिक्सल देता हूँ, तो ये 5 पिक्सल्स मार्जिन से दूर हो जाएंगे लाइक दिस. और मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा दूंगा, नॉट 5, 10 पिक्सल्स मार्जिन, तो ताकि थोड़ा सा ये दूर शिफ्ट दिखें. अब इसके अंदर मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, हमें सर्कल बनाना है, तो मैं 50% डाल दूंगा, तो ये 50% हमारा आ गया है. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो 0 0 50 पिक्सल्स वाइट. ठीक है,
जैसे मैं वाइट करूँगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमारा दिखने लगा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक एनिमेशन चलाऊँगा, एनिमेशन एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम जो है मैं इसके अंदर दूंगा एनिमेट। एंड कितनी देर के लिए चला रहा है वो मुझे चलाना है 2 सेकंड के लिए, लीनियर, या फिर मैं ईज इन आउट रखता हूँ, ईज इन आउट और इनफाइनाइट, मुझे इनफाइनाइट आइट्रेशन काउंट रखनी है इसकी। ठीक है गाइस, ये आप यहाँ तक सेव कर लो। इसको सेव करने के बाद देखो तो यहाँ पर अभी हमारा ऐसा प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर इतना आप प्रोजेक्ट आई होप कि यहाँ तक आप फॉलो कर पाए हो। एंड नाउ इतने इसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं अपना एनिमेशन। अभी यहाँ पर हमने खाली नाम दिया था ऊपर, ये नाम दिया है हमने एनिमेशन का, अभी हमने ये बनाया नहीं एनिमेशन, तो आइडेंटिफायर जो होगा वो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर। एंड मेक श्योर कि आपका जो एनिमेशन का नाम है यहाँ पर, आप जो भी रख रहे हो यहाँ पर आप रखना चाहते हो अपना नाम, जैसे कि मैं अपना नाम रख सकता हूँ अरसलान, या पर आप कलर बी जी कुछ भी रखना चाहते हो वो रखो, लेकिन लेकिन जो ये की फ्रेम्स का जो नाम है, आइडेंटिफायर का जो नाम है, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये कैपिटल ए और यहाँ पर हमने स्मॉल ए भी लिखा है तो भी ये नहीं चलेगा, तो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ें सही तरीके से लिखें। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आप सेव करो और यहाँ पर हम एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें इसका साइज़ छोटा करना है, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है। साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 0% ले सकता हूँ। 0% पे मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म यानी कि स्केल 0.5। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको 100% करूँ, 100%, और इसका जो स्केल है मान लो 1.5 कर देता हूँ, और इसको सेव करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर साइज़ छोटा बड़ा दिखने लगेगा मैं ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। मैं इसकी मार्जिन थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छे से गैप ले ले, मार्जिन मैंने और बढ़ा दी ताकि ये दूर दूर और हो जाए, देखो ऐसे। आई होप कि आपको ये चीज़ अभी तक यहाँ पर समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर सेव कर लिया हमने, अब नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्पैन एंड चाइल्ड एंड चाइल्ड वन, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका पीजी कलर जो है बीटीसी उसको चेंज करूँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैं मान लो कि इसका देना चाहता हूँ रेड, तो जैसे ही मैं रेड करूँगा तो यहाँ पर ये रेड कलर में आ गया। ठीक है, मैं रेड के बाद यहाँ पर इसको चेंज करके 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हमें सारे में चेंज करना होंगे कलर, बैकग्राउंड कलर। तो इसका मैं सेकेंड ले लेता हूँ, इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ, इसको मैं फोर्थ ले लेता हूँ, इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल सेड, इसको मैं फिफ्थ लेना है और इसको सिक्स्थ। देखो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पर, मैं अब क्या करूँगा, इसके नाम हमें, इसके मैं इसको येलो कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीनिश कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क लूँगा यहाँ पर, एक्वाटिक कलर थोड़ा सा, यहाँ पर मैं डार्क ब्लू, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वायलेट के शेड में जाऊँगा लाइक दिस। मानता हूँ कि पहले जो हमने कलर सेलेक्ट करते ऊपर यहाँ पर वो थोड़े से डिफरेंट होंगे इससे, बट हम यहाँ पर जो है लॉजिक को समझ रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको चेंज करा तो आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज़ हमारी डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पर देखो हमारा कलर सारों के चेंज हो गए हैं, बट एक चीज़ हमने यहाँ पर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पहले क्या हो रहा था कि ये एक 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 करके चल रहे थे। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर जाओगे और एनिमेशन डिले में फ़र्क डाल दोगे, तो एनिमेशन डिले डिले में डालना चाहता हूँ मान लो 0.1s, और उसको सेव कर दो। अब ये कॉपी करके मैं यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इधर पर भी पेस्ट करूँगा, इधर भी पेस्ट करूँगा, और इधर एंड इवन हियर। अब यहाँ पर मैं सबका टाइमिंग जो है चेंज करूँगा, यहाँ पर 2 लिख दूँगा, यहाँ पर 3 लिखूँगा। अब इसको सेव करता हूँ, देखो जैसे मैं सेव करूँगा तो आपको तो दिखने लगेगा ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 0.4, 0.5,
0.6। तो आपको देखने आपने देखा था कि थोड़े बहुत में जहाँ पर हमने ये चीज़ लगाई थी उस उन सब में ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी। अब जैसे ही मैंने सारों में लगा दी तो आप देखो कि ये वो इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर मिलने लगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ यहाँ पर चेंज करूँगा जो कि है ये, इसको कंट्रोल एक्स से कॉपी करूँगा, सॉरी कंट्रोल वाई करूँगा, एंड यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स से कट करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड इवन हियर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इतना कर दिया है, 0% नहीं लेना, हम इसको चेंज करेंगे, इसकी जो परसेंटेज है वो भी हमें चेंज करनी है। इसको सेव करूँगा यहाँ पर, एंड देखो अब यहाँ पर जैसे हमने करा तो ये हमारा ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ लिखेंगे 40, 40 के बाद 80, 80%, 100%। यहाँ पर नीचे मैं 0% लिखूँगा, 0%, 20%, 20%। अब देखो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 40, 80, 100% पे ये कर दो, और 0 और 20% पे ये कर दो। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, तो देखो ये ऐसा चलने लगा। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़े से और चेंजेस कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या सिर्फ एक चेंज करना है मुझे, लाइक इसको 0 करके, इसको 0 हटा के यहाँ पर मैं 0 लिख लूँगा। तो 0, 40, 80, 100, और यहाँ पर अब मैं सेव करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या करा है देख रहे थे हम, कैसा हमारा आउटपुट दिख रहा है। तो देखो हमारा वैसे ही आउटपुट दिखने लगा है जैसे हमने अपना एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लाइक इसके अंदर आप इसके अंदर मार्जिन बढ़ा सकते हो, आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो, इसका जो बॉर्डर शेडो है, बॉक्स शेडो है, इसको कम करके 20 पिक्सल्स, यहाँ पे 20 पिक्सल्स करके इसको सेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा इसका जो ये है वो चेंज होके दिखेगा हमें। बट देन अगेन ये इट्स ऑल अपॉन यू। और मैंने दोनों सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, पहला वाला जो कमेंट आउट है और नीचे वाला जो मैंने नया बनाया है। तो दोनों हमने देखे कि कैसे वर्क कर रहे थे, दोनों एक ही तरीके से वर्क करेंगे, इसमें बस थोड़े से मैंने मॉडिफिकेशन कर दिए। अगर आपको मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आप ये वाला कोड ले सकते हो, अगर आपको नया वाला चाहिए तो आप नया वाला ले सकते हो। सो गाइस, बोथ आर सेम थिंग्स, बट I have just made some modification in the height and something that you have already seen. So this was all in the project, guys. इसका source code जो है मैं description में डाल दूंगा। अगर आपको ये project पसंद आया guys, तो please subscribe करो channel को, hit करो like button को, press करो bell icon button को, and bookmark the playlist for such updates. Thank you guys for watching this video and see you next time.